नालंदा जिले के रहुई बाजार में गुरुवार की सुबह कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने देखते ही देखते दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियों पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखे लाखों रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना मिलते ही रहुई थाना के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के लिए प्रयास शुरू किया। उन्होंने आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियों को मदद के लिए बुलाया। करीब 3 से 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने से रहुई बाजार में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। आग लगने से दुकान के मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि आग से उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। रहुई नगर पंचायत रहुई बाजार है, आरती वस्त्रालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गया है। करीब करीब घटना है 7 बजे सुबह। 1.5 घंटा के बाद दमकल आया, फिर 1 घंटा के बाद दूसरा आया, और जो बड़ा दमकल बिहार शरीफ से आया वो 9:30 बजे आया है। करीब 25 लाख का अनुमानित क्षति है आरती वस्त्रालय मकान मालिक। किस कारण से आग? शॉर्ट सर्किट से। कितने लागत? करीब करीब 25 लाख की लागत बर्बाद है। क्या नाम है? अनिल पांडे, उपमुख पार्षद रहुई नगर पंचायत। और ये आरती वस्त्रालय है जो कि आग बहुत भीषण लगा था, इसमें उनको तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का क्षति हुआ है। किस कारण? देखिए, कारण तो ऐसे बताया जा रहा है कि मुख्य रूप से लाइन का ही प्रॉब्लम से हुआ है, और तो विशेष तो मालिक ही बता सकते हैं, क्योंकि सुबह में आए दुकान खोलने के बाद तो देखे कि पूरा आग एकदम भीषण आग लगा हुआ है, क्योंकि ग्रामीण अभी आग बुझाने में आप देख ही रहे होंगे 3 घंटा से, तकरीबन 3-3.5 घंटा लग चुका है आग लगते हुए, और अब जा करके सुधार हुआ है। 3 दमकल आया था, 3ों दमकल के आने के बाद आग पर काबू पाया गया है। क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ।